आमेर विधायक सतीश पूनिया मंगलवार को जोधपुर पहुंचे, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत और पायलट एक ओर प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान पूनिया ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी है। ये बात तो पहले से ही तय थी कि इस समय देश की राजनीति में जो दुर्विकरण हुआ उसमें मोदी रोको एक अभियान चला, और उसका बड़ा कारण ये था कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने 55 वर्षों तक देश को लूटा और एक किस्म से लोकतंत्र को राजतंत्र में बदला, एक खानदान विशेष जिसने राज किया, और उसके बाद उनकी चौथी पीढ़ी भी इस बात के लिए उतावली है। दामाद जी का दखल जगजाहिर सा है, राजस्थान में बहुत बेनामी संपत्तियां जमीनें खरीदी, मामला चल ही रहा है। राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे नेशनल हेराल्ड का जो मसला है चल ही रहा है, अभी वो बेल पे हैं, खुद वाड्रा जी बेल पे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने अनेक सभाओं में भी और अपने अनेक एक्शन से ये प्रूव किया कि इस देश में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है।